रास्ते से जा रहे हो, रास्ते से जाने के बाद आपको कुछ लोग टू व्हीलर के ऊपर जाते समय दिखते, कुछ लोग फोर व्हीलर के ऊपर भी होते, कुछ लोग मर्सिडीज ऐसे जगुआर ऐसे बड़े बड़े गाड़ी में होते और कुछ लोग पैदल पे भी जाते। तो क्या रीजन है? क्योंकि भगवान ने सबको तो टाइम सेम दिया ना, सबको तो 24 आवर्स टाइम है ना। तो क्या होता है कि एक व्यक्ति वही 24 आवर में 100 रुपए कमाता है, उसी 24 आवर में 500 रुपए कमाता है, उसी 24 आवर में 1000 रुपए दिन का कमाता है, उसी 24 आवर में दिन का 10,000 रुपए कमाता है और उसी 24 आवर में दिन का 10,000 रुपए कमाता है। उसका रीजन क्या है? तो आपके बीच में मैं आपके बीच में एक फॉर्मूला शेयर करना चाहूंगा दोस्त। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीजें सीख ली और उसके साथ जीरो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म सीख लिया तो गारंटी आपकी लाइफ जॉब ग्रुप में अगले 6 महीने के अंदर बन जाएगी। सिर्फ एक चीज, बहुत सारे लोगों को मालूम है क्या होता है 4R फॉर्मूला, लेकिन मैं आपको फिर से सिखाने की कोशिश करूंगा। पहले समझे, इसके लिए बहुत सिखाया हमने भी बहुत सारा दोस्त। रियलिटी रोज 1-1.5 घंटा इस बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए देते हो, क्योंकि क्या होता है जितना एजुकेशन आप ग्रोथ करोगे उतना बेहतर बड़े ग्रोथ हो जाए। तो 4R क्या कहता है? अगर आप कामे भी अचीव करना चाहते, बड़ा पैसा कमाना चाहते, क्या डिफरेंस है कि एक इंसान दिन का 100 कमाता है उसी टाइम एक इंसान दिन का 1,00,000 कमाता है, उसका रीजन एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला कहता है फर्स्ट आर मतलब राइट एक्शन। एक्शन मतलब आपकी कृति, आपकी मेहनत, आप काम क्या करते हो। मुझे बताओ, अगर कोई इंसान है किसानी करता है तो उसकी मेहनत है क्यों वो 1 दिन का 1,00,000 रुपए कमाएगा क्या? अगर कोई व्यक्ति है, अगर किसी कंपनी में मजदूर करता है 8 घंटा ड्यूटी करता है तो 8 घंटा ड्यूटी करके दिन का 1,00,000 रुपए कमाएगा क्या? लेकिन उसी कमाई उस कंपनी में कोई ओनर है, वो खुद मेहनत नहीं करता है लेकिन उसके नीचे उसके जैसे लाखों लोग काम के लिए और वो लोग काम करते हैं, उसका टाइम मल्टीप्लाई होता है और इसी के वजह से उसका लाखों में इनकम आता है। तो मैं आपको बीच में कहना चाहूंगा राइट एक्शन है। अगर आपको इस बिजनेस में ग्रोथ करना है तो 3 तरीके के इनकम के स्रोत सीखना चाहिए। उसमें से फर्स्ट इनकम का स्रोत है लिनियर इनकम। लिनियर इनकम क्या होता है? आपने पैसा कमाने का तरीका सीखा है लेकिन लिनियर इनकम क्या है? लिनियर इनकम मतलब क्या है? लाइफ की डेफिनेशन है, लाइफ इज इक्वल टू टाइम, टाइम इज इक्वल टू मनी। जितना आप टाइम दोगे उतना आपको पैसा मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति एक कंपनी में, मान लो राम नाम का व्यक्ति है, एक कंपनी में काम कर रहा है, उसको दिन का एक मंथ का अगर 10,000 रुपए मिल रहा है तो मंथ में कम से कम वो 25 दिन काम कर रहा है। अगर मंथ में 25 दिन काम कर रहा है मतलब 4 संडे और 1 पर्सनल छुट्टी, ऐसे हम ग्रहित धरते कि मंथ में वो 25 दिन काम कर रहा है। मंथ का कितना मिल रहा है उसको सर? कितना मिल रहा है आपको? राम व्यक्ति है, मंथ का कितना मिल रहा है उसको? 10,000। दिन में मंथ में कितना दिन काम कर रहा है? 25 दिन। तो 10,000/25 एक दिन का कितना होता है? 400 रुपए। सही है। दिन में कितना घंटा काम करता है वो? 400 / 8 घंटा 8×5=40। एक घंटे के लिए उसको कितना मिलता है? 50 रुपए। लेकिन मान लो एक टाटा कंपनी है और टाटा कंपनी के ओनर है राम, टाटा कंपनी में मेहनत करता है, एक दिन का मेहनत करने के बाद एक घंटे के लिए उसको 50 रुपए मिलते हैं, एक दिन के लिए 400 रुपए मिलते हैं और एक मंथ के लिए 25 रुपए मिलते हैं। लेकिन उसी समय टाटा कंपनी में राम जैसे 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 लोग होते। दोस्त मैं ज्यादा नहीं कोशिश करूंगा, मैं एग्जांपल के माध्यम से सिर्फ 3,000 लोग है राम जैसे टाटा कंपनी में। टाटा राम एक घंटे के लिए 50 रुपए कमाता है लेकिन उसी कंपनी में टाटा एक घंटे के लिए 50 गुना कितने लोग है उसके पास? 300। 50 गुना 300 कितना आता है? 1,50,000 रुपए। सही है, सही है, समझ में आ रहा है? राम एक घंटा मेहनत करके 50 से बजाज टाटा है, टाटा खुद नहीं मेहनत करता, उसने 3,000 लोगों को काम दिया है और वही लोग काम करते हैं और एक घंटा काम करने के बाद उसको 300 × 3,000 × 50 1,50,000 रुपए आ जाते। उसी समय राम एक दिन काम करता है मतलब 50 × 8 घंटा 15 लगभग 400 रुपए उसको दिन का मिलता है। उसी समय टाटा 1,50,000 × 8 घंटा लगभग 9,60,000। सही है क्या?
1 लाख 12 लाख 12 लाख ना, तो 8 घंटा काम करता है दिन में और उसको कितना मिलता है 12 लाख। समझ में आ रहा है, एक दिन का कितना मिलता है 12 लाख। उसी समय रात मंथ में कितना दिन काम करता है 25, मतलब 400 गुना 25 उसको 10,000 रुपए मिल जाता है। लेकिन उसी समय टाटा 12 लाख गुना मंथली 25 दिन कितना हो जाता है 3 करोड़। डिफरेंस क्या है कोई बता सकता है? टाटा ने क्या किया और राम ने क्या किया? नए में कोई इंसाइट बता सकते हैं? प्रीति जी हो सके आप, डिफरेंस क्या, क्या किया टाटा ने, क्या किया और राम ने क्या किया, मेहनत क्या किया? मैंने सवाल किया, एक व्यक्ति दिन का 100 रुपए कमाता है, उसी समय एक व्यक्ति दिन का 1 लाख रुपए कमाता है, उसका रीजन है, आंसर है। अगर आपने ध्यान दिया समझा और उसकी वजह से मैं इंडस्ट्री में टिका हूं दोस्त, टीम वर्क, टीम वर्क, टाइम मल्टीप्लाइज, हार्ड वर्क। ऐसे कि मैंने इनकम के 3 टाइप बताए। फर्स्ट टाइप कौन सा है? लीनियर, जो व्यक्ति जितना टाइम देगा उतना पैसा कमाए, जो कंपनी में जॉब में जो लोग काम करते हैं वो लीनियर इनकम कमाते। सेकंड चीज लेवरेज इनकम, लेवरेज इनकम को दूसरा ऑप्शन है पैसिव इनकम, जो व्यक्ति खुद न काम करते हुए टीम के साथ टाइम मल्टीप्लाई करके काम कमाता है वो लीनियर इनकम। जितने भी कंपनी के ओनर है, बड़े बड़े टाटा अंबानी जो भी हो गए, मेरे से बेहतर आपको नाम मालूम, वो सब लेवरेज इनकम कमाते हैं। और दोस्त खुश नसीब है हम, हमारे महान आदरणीय डायरेक्टर सर ने हमें वो लेवरेज इनकम कमाने का टाइम दिया है कि आप लाइफ बनाने की कोशिश करो, वही चीज आपको आ जाएगी। सिर्फ आप टाइम मल्टीप्लाई करो, एक पैसिव इनकम के साथ काम करो, टीम बनाओ। और लास्ट है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम मतलब एक बार काम करना, बार बार मेहनत करना। मार्केट में रॉयल्टी इनकम 3 ही लोग कमाते, फर्स्ट सिंगर, राइटर और साइंटिस्ट। ए बल्ब है, किसने शोध लगाया उसका? इसको एडिसन। मैंने ये लिया और फेंक दिया, मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर से लाना पड़ेगा, फिर से लिया फेंक फोड़ दिया, क्या करना पड़ेगा? आज एडिसन है दुनिया में, लेकिन उसने शोध लिया, उसके आज 2% रॉयल्टी उसको मिलती है, जितने भी उसके फैमिली। आज कोई सिंगर है, कोई सिंगर है, लता मंगेशकर, जिन्होंने एक सॉन्ग गाया था, कौन सा? ए मेरे वतन के लोग, किसने गाया? ए मेरे वतन के लोग, किसने? अगर आपको गाना सुनना है तो क्या करना पड़ेगा? YouTube पे जाना पड़ेगा, उसको सर्च करना पड़ेगा, ये मेरे वतन के लोगों। लेकिन उससे पहले तो 300-400 का रिचार्ज करेंगे ना, और वहां पे रॉन्ग सर्च सर्च क्या है, उससे पहले आता है 5 MB 10 MB। जितना आप वो MB डाउनलोड करोगे उतना रॉयल्टी उनको जाएगा, वो एक ही बार काम। और लास्ट राइटर सानी गुरुजी, शाम क्या है बुक लिखा, एक ही बार लिखा है, बार बार प्रिंट छपती है, बार बार रॉयल्टी। लेकिन मैं 100% दावे के साथ कहना चाहूंगा, जॉब भरत नेटवर्क मार्केटिंग की एक मैप कंपनी है जो 0 इन्वेस्टमेंट में स्टार लेवल के ऊपर रॉयल्टी देती है 2-4 साल के अंदर। अगर ये चीजें समझी तो फर्स्ट फॉर्मूला है राइट एक्शन, पैसिव इनकम। अगर आप टीम वर्क के साथ मेहनत करेंगे तो गारंटी हम लाखों